काम करें, विद्यार्थियों को उससे जो है निकाल कर अपने पैरों पर खड़े करें, ऐसी एक कोशिश की। एक सैद्धांतिक बदलाव यहाँ पर आ रहा है और सैद्धांतिक बदलाव ये है कि संविधान कहता है शिक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी होनी थी, लेकिन अभी की जो सरकार है या पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार हो या आज की सरकार हो, ये कह रही है कि शिक्षा जो है वो पारिवारिक जिम्मेदारी है और पारिवारिक जिम्मेदारी होने की वजह से जो कुछ सहूलतियां हम लोग दे रहे हैं वो निकालने की बात यहाँ पे चली है। ये लड़ाई पुरानी लड़ाई है ऐसा मैं मानता हूँ, हर जनरेशन इस लड़ाई से लड़ते आ रहा है, वो अपने लिए लड़ते आ रहा है, लेकिन एक खुशी की बात है कि आप अपने लिए भी लड़ते हो और उसके साथ साथ आप जो जनरेशन इस कॉलेज में आए नहीं दी, मतलब जिसको एडमिशन मिल भी नहीं दिया, उस विद्यार्थियों के लिए भी जो सहूलतियाँ हमको मिल रही है वो सहूलतियाँ उनको भी कंटिन्यू होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है, सराहनीय बात है और इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पर धन्यवाद दूँ। मैनेजमेंट की तरफ से कई ऐसी आंदोलनों को सपोर्ट मिलता है ऐसा मुझे नहीं लगता। पहली लड़ाई तो मैनेजमेंट के साथ होती है, उसके बाद में असली लड़ाई वहाँ पे शुरुआत। मैं विद्यार्थी इमरजेंसी के वक्त हम लोग थे तो इमरजेंसी में लड़ाई करना ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात उस वक्त होती थी, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी हम लोग के साथ में थे या विद्यार्थी लीडर्स हम लोग के साथ में थे, इमरजेंसी है या नहीं है इसकी कभी परवाह नहीं, लड़ना है मतलब लड़ना, सरकार को अगर पकड़ना है तो पकड़ ले, क्योंकि उस वक्त एडीकेटी का सबसे बड़ा सवाल था 72 के पहले, ये जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन में 50% की जो लिमिट आई है उस वक्त ये लिमिट नहीं थी, कई इशू थे कि जिस पर ये लड़ाई चल रही थी। मैं आज ये मान के चलता हूँ कि ये सिर्फ लड़ाई आपके कैंपस की नहीं है, हर कॉलेज का विद्यार्थी जो है आज भी 3-3 साल से उसको स्कॉलरशिप मिली नहीं, आपका बजट डायरेक्ट होने की वजह से कुछ पैसा आपके यहाँ तो भी आता है, लेकिन मोफिसल्स में जितने भी कॉलेजेस हैं उन मोफिसल कॉलेजेस में आज भी मेरे ख्याल से ना स्कॉलरशिप आई है ना फ्रीशिप आई है, कई बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं कि जिस तरह से आपको मैनेजमेंट ने कहा है कि तुरंत पैसे भर दो, वहाँ पैसे भरा नहीं है तो गेट के बाहर खड़े कर देते हैं और कई लोग मेरे ख्याल से कॉलेज और स्कूल कॉलेज जो है वो छोड़ के निकल चुके हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। तो एक बड़ी लड़ाई है, रास्ते की लड़ाई है, मैनेजमेंट के साथ की लड़ाई है, वैसे ही सरकार के साथ में भी लड़ाई है। ये बात आप लोगों की सही है कि सरकार ने यहाँ पर तय करना चाहिए कि शिक्षा पर टोटल बजट का खर्च कितना होगा। महाराष्ट्र की सरकार जो है वो स्कॉलरशिप में एक पैसा ऐड नहीं करती है, केंद्र सरकार से जितनी स्कॉलरशिप आती है उतनी ही स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को देती है, हालांकि स्कीम ऐसी है कि जितनी स्कॉलरशिप केंद्र से आती है उतनी ही एडिशन राज्य सरकार की होना चाहिए, मतलब दुगनी वहां पर मिलना चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में है कुछ राज्यों में नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। उसके लिए वहां के विद्यार्थी भी लड़ते थे, हम लोग भी उसके लिए लड़ते थे, लेकिन हम लोग नाकाम रहे वहां पर क्योंकि सरकार सुनने के लिए उस वक्त तैयार थी। आज मैं समझता हूँ कि सरकार उसके आगे गई है कि अपना हिस्सा तो देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक जो नया जीआर यहाँ पर निकाला है, एक 8 या 10 दिन पहले
महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक जीआर निकला है, उन्होंने कहा है कि ओबीसी को अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो सिर्फ 30% मिलेगी, बाकी का क्या होगा उसके उन्होंने कुछ कहा थी, उस पर उन्होंने चुप्पी डाली है। सरकार से हम लोग पूछते कि भैया पुराने जीआर में और कुछ था उसके बारे में क्या, बोले नए जीआर में अगर उसका उल्लेख नहीं है तो वो भी आपको नहीं मिल सकता। तो ये जो लड़ाई मैंने कहा कि हर कॉलेज के विद्यार्थी की लड़ाई और हर कॉलेज के विद्यार्थी की लड़ाई होने से हम लोग ने ये तय किया है कि पहले जितने भी डिस्ट्रिक्ट समाज कल्याण विभाग है और वहां के कलेक्टर्स है उनपे जो है हम लोग उनके यहाँ जुलूस निकालेंगे, उनसे मिलेंगे और अपनी मांगे वहां पर। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र असेंबली चल रही है, प्रावधान हो चुका है लेकिन सरकार दे नहीं रही है, डाइवर्शन बाद में करेगी और इसलिए आप लोगों ने जैसा मैनेजमेंट को यहाँ पे टारगेट किया हुआ है और मैनेजमेंट को टारगेट करते हुए ये कहा है कि भैया जो कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड आता है उस कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड से ओबीसी हो, एससी हो, गरीब विद्यार्थी हो, इनकी मेस और फीस की प्रावधान होना चाहिए। उसी तरह से राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी हम लोग को ये टारगेट करना होगा या जितना प्रावधान किया है उतना पहले रिलीज तो कर दो। ये एक बड़ी लड़ाई है कि आज की जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो राज्य में हो, जो इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंसी डेवलप करती है उन इंस्टीट्यूशंस को बंद करने की इनकी पूरी साजिश हो चुकी है। जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चल रहे हैं, बीच में इनका जीआर निकला था कि इनको सबको बंद किया जाए, इनको ग्रांट नहीं मिलेगी, लेकिन केंद्र सरकार पर प्रेशर डालने के बाद उसको साल भर एक्सटेंशन मिल रहा है और हर साल के लिए उसको एक्सटेंशन के लिए लड़ना पड़ रहा है। ऐसी एक परिस्थिति है जो विभाग केंद्र शासन ने पहले कहा था कि ये चालू होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ने उसको शुरुआत किया, लेकिन आप जो है वही सब्जेक्ट जो है वही विषय जो है केंद्र सरकार को अपनी नीतियों के मुताबिक अड़चन दिखाई दे रही है उनको वो बंद करने लगी। इसलिए ये लड़ाई में मान के चलता हूँ, 2019 तक हमको ये लड़ाई लड़नी होगी, केंद्र राज्य शासन के खिलाफ भी लड़नी होगी। मैनेजमेंट जो है उदासीन भूमिका दिखाई देता है, ऐसे मुझे विद्यार्थियों के साथ में बैठ के जो मैनेजमेंट ने लड़ना चाहिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि अगर इन इंस्टीट्यूशंस को जो प्रावधान है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बने और बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिसीजन हो चुका है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी भी हालत में चलने चाहिए और किसी भी हालत में अगर चलने चाहिए तो इनको चलने के लिए जो राशि लगती है वो राशि बजट से आनी चाहिए दोस्तों। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है वो 1990 से शुरुआत हुआ, जिसमें आज दोनों भी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है और इसलिए दोनों सामने आने से कतरा रहे। तो ये आंदोलन हम लोगों को ही चलाना होगा, विद्यार्थियों को ही चलाना होगा और बिना विद्यार्थियों को चलाए हुए ये आंदोलन मेरे ख्याल से आगे नहीं चल सकता। 2014 की मैं बात करूं, विद्यार्थियों के सामने हम बैठे थे, मतलब उनको लेके ही हम लोग बैठे थे। एक बात वहां पर चढ़ी, डीजल प्राइसेस उस वक्त बढ़े और उसके 3 दिन बाद जो है 2G स्कैम के घोटाले के फिगर्स बाहर निकले।
तो विद्यार्थियों में बैठ के हम अपने एक जो चर्चा शुरुआत की, मैंने कहा ये जो पेट्रोल प्राइसेस अगर नहीं बढ़ते तो शायद मेरे ख्याल से आपकी जो एंजॉयमेंट की भूमिका थी या एंजॉयमेंट की जो संकल्पना थी उस पर कटौती नहीं लगती। विद्यार्थियों ने पूछा कैसे, मैंने कहा तुम्हारा पॉकेट मनी जो है उतना ही होगा, पेट्रोल दाम बढ़ गया है इसलिए जहां 10 मोटरसाइकिल की रैली आप लगा सकते हो, आप मेरे ख्याल से 2 रैली कम करके 8 रैली होगी, आप मेरे ख्याल से इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। बात क्लिक होगी, विद्यार्थियों में क्लिक हो गई, सब हो गया, सरकार वहां पर गई। आपके हाथ में सबसे बड़ी ताकत है, ऐसे मैं मानता हूं, आपके हाथ में सबसे बड़ी ताकत, ये सबसे बड़ी ताकत जो है वो आपको इस्तेमाल करना होगा। मोदी जैसे 12,000 करोड़ अगर इस देश में ले जा सकते हैं तो इस यूनिवर्सिटी चलाने में मेरे ख्याल से 500 करोड़ की जरूरत होगी, और सरकार अगर 500 करोड़ की व्यवस्था नहीं कर सकती है तो निर्माण मोदी को लिया ही है और उससे 500 करोड़ लेके ये संस्था को जो है कामयाब बनाइए। ये हम लोग को स्ट्रैटेजी बनानी हो, इस सरकार को नीचे खींचने के लिए या इस सरकार को जवाब ना देने की परिस्थिति में लाने के लिए हम लोग ने इस बात को शुरुआत कर दी। जो धरना प्रदर्शन शास्त्री भवन में 4-5-6 या 7 दिन पहले हुआ, मैं उनके स्लोगन बाहर से सुन रहा था, मैंने कहा इस स्लोगन में जो है कहीं तो भी नई जान आनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़े स्कैम की जो बात आई थी, अगर वहां मेरे ख्याल से विद्यार्थी इस बात को उठाते, इस सरकार को अगर पता चलता तो शायद मेरे ख्याल से विद्यार्थियों ने क्या किया इनको जानकारी है और उसी की वजह से वह सरकार में बैठे हैं, तो उसी तरीके से ये हमको ना हटा दे इसलिए मैनेजमेंट पर प्रेशर डाल के आज जो फीस बढ़ाई है शायद मेरे ख्याल से वो फीस कम कर दे, मेस की और हॉस्टल की जो फीस बढ़ाई है जो इनके हिस्से में आती है वो कर दे, और जो ग्रांट मिलनी चाहिए संस्था को जो मिली नहीं है शायद वो मेरे ख्याल से इमीडिएटली रिलीज कर दे। प्रकाश जावड़ेकर से मेरी बात हुई, मैंने कहा सरकार तो 4 साल चलती है, 5 साल चलती है, क्योंकि उसके बाद में हिसाब देना होता है। मैंने कहा क्या हिसाब दो, बोले नहीं मेरे पास कोई आया ही नहीं है। मैंने कहा गलत है, मैं इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, मैंने कहा इसलिए आपके पास प्रपोजल आया। बोले नहीं मैंने देखा नहीं होगा, मैंने कहा देखा नहीं है तो आप देख लीजिए। प्रेशर डालने की जरूरत है ऐसा मैं मानता हूं, और ये सरकार जो है क्रैक हो सकती है और इंस्टीट्यूशन भी यहां पर क्रैक हो सकती है, और इसलिए हम लोग आपके साथ में हैं। विधानसभा पर जब जुलूस होगा तो उसमें आप भारी ताकत में वहां पे सहयोग देंगे, और महाराष्ट्र सरकार का जो है शेयर जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्रीशिप के माध्यम से जो है वो मिलना चाहिए, यह मैं आपसे कहता हूं। लेकिन एक सलाह आपको भी देता हूं कि मैनेजमेंट के साथ में बैठ के जो आप अगली विद्यार्थियों की बात की तरह बात कर रहे हो, मैनेजमेंट के साथ में बैठ के आप ये भी फैसला कर लीजिए कि प्रोजेक्ट के माध्यम से जो प्रॉफिट आता है उसमें से सब्सिडाइज एजुकेशन की प्रावधान क्या होगा, इसका भी आप मैनेजमेंट के साथ में बात करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आगे आने वाले विद्यार्थियों को आपकी तरह आंदोलन ना करना होगा। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ। जय भीम। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। स्कॉलरशिप